अब हमने देखा है कि बांग्लादेश, वियतनाम, भारत किस तरह से अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं। हम बहुत सारी FDI तो लाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा क्यों नहीं हो पा रहा जाहिर सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि अभी आपने जो अदाद व शुमार बताए FDI के, वो कुछ हैं जी कि 10 करोड़ डॉलर आ गए, 14 करोड़ डॉलर आ गए। असल में बात यह है कि हमें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दरकार है। उसमें सऊदी अरब ने नो डाउट हमारे साथ पहले 2 अरब डॉलर की एक कमिटमेंट की थी या एक अंडरस्टैंडिंग की थी, फिर वो अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जी हम 5 अरब डॉलर तक इसको बढ़ा के करेंगे। तो सऊदी अरब जो है वो उसमें सीरियस है, और फिर हमारे आर्मी चीफ भी उनसे मिल चुके हैं उनके वलीयत से, और किसी भी लम्हे वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इसी तरीके से फिर हमें दुबई से यानी UAE से भी इन्वेस्टमेंट की तवक्को है, और वो भी एक सीरियस मरहले में दाखिल हो रही है। और CPAC Phase 2 जो है वो भी अब शुरू हुआ जाता है, और उसमें भी हमें अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तवक्को है। तो ये सारी तवक्कोआत जो हैं ये गुज़श्ता 2 साल से हैं, और गुज़श्ता 2 साल से ये आहिस्ता आहिस्ता अब एक सीरियस मरहले में दाखिल हो गई हैं, और होपफुली अगले 1-2 महीने में इसमें हमें टेंजिबल रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे जो ऑन ग्राउंड हमें इंशाल्लाह नज़र आएंगे। और यही वजह है कि अभी चीनी बाशिंदों पर जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया, तो कुछ कुवतें ऐसी हैं कि जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए, और वो इसमें रुकावटें पैदा कर रही हैं। जो बलूचिस्तान में हालिया बदअमनी की लहर जो है, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जाना, तो ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि कुछ कुवतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर नहीं देखना चाहते। तो भाई साहब, अब जहाँ तक आप जहाँ तक आपने ये बांग्लादेश वगैरह का बात की कि वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वहाँ पे वो तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक जो बड़ी एक रुकावट है, इम्पेडिमेंट है हमारी तरक्की में या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने में, देखें कुछ थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट तो हमारी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट हमारी इस साल तकरीबन कोई 33 अरब डॉलर हो जाएगी, जबकि पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट कोई 30 अरब डॉलर थी। तो तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मतवक्को है कि इस साल हमारी बढ़ेगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो फॉरेन रेमिटेंस है जो वर्कर्स की तरफ से आती है, तो वो भी पिछले साल हमारी 30 अरब डॉलर थी, इस साल हमें तो है कि कोई 5-6 अरब डॉलर का उसमें इजाफा हो जाएगा, 35 अरब डॉलर पे वो चली जाएगी। तो आप यूँ अंदाज़ा लगा लेंगे अगर हमारी 5 अरब डॉलर की हमारी रेमिटेंस बढ़ जाए, 3 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो 8 अरब डॉलर तो हमारी किटी में आएंगे। और फिर ये कि कुछ इम्पोर्ट अगर सब्सटीट्यूट हो जाए, कुछ यहाँ पे काम हो रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर बेहतर हो जाए हमारी, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट भी हो सकती है। पेट्रोलियम प्राइसेस भी गिर रही हैं, उससे भी हमें बहरहाल एडवांटेज मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम इकॉनमी को अगर हम देखते हैं कि इसकी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो वो कदरे स्लो बेहतर हो रही है, मगर बेहतर हो रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। और उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो IMF के पैकेज का है, क्योंकि IMF के पैकेज का मतलब यह है कि आप इंटरनेशनली एक साउंड कंट्री के तौर पे देखे जाते हैं, कि जहाँ भी अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी ख़राब नहीं होगी और वो नुकसान नहीं होगा उसको। और यही वजह है कि मूडीज़ वगैरह ने भी हमारी रेटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करनी शुरू कर दी है। तो बेबी स्टेप्स में हो रहा है, लेकिन बेहतर हो रहा है। इसी तरीके से अभी हमारा जो मार्कअप है वो भी 3 दफ़ा कम किया गया थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ओवरऑल 5% कम हुआ, जबकि अब तक हमारे तखमीने के मुताबिक ये 10% कम हो जाना चाहिए था। यानी इस दफ़ा जो उन्होंने कम किया है वो 5% अगर कम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता अभी इस वक्त। और इसी तरीके से हमारी जो बिजली की प्राइसेस हैं, मैं उसमें असल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी एक्सपोर्ट 10-20 अरब डॉलर क्यों नहीं बढ़ती। तो अब अगर हमारी एनर्जी की कॉस्ट जो है वो ठीक हो जाए और हमारी मार्कअप की कॉस्ट ठीक हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारी एक्सपोर्ट में आपसे कह रहा हूँ कि इस साल 33 अरब डॉलर की हो जाएगी, तो ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएं तो हम 40 अरब डॉलर पे तो इसी साल टच कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ये चीज़ें अगर हम ठीक कर लें तो हमारा GDP भी बेहतर हो जाएगा, हमारा टैक्स की रिकवरी जो है 190 अरब रुपये की शॉर्टेज हुई है 3 महीनों में, जो हमने टारगेट मिस किया है, और IMF और हमारा इस वक्त FBR मिनिस्ट्री फाइनेंस सब जोड़ के इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं कि इस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा करें, और ये शॉर्टफॉल अगर इसी तरह रहा तो आगे आने वाले महीनों में और कम होता जाएगा। तो उसके लिए केक साइज बढ़ाने की ज़रूरत है। अब चेयरमैन FBR से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि हम इसमें एनफोर्समेंट को बेहतर करेंगे। तो एनफोर्समेंट बेहतर करने का मतलब यह है कि लोगों के ऊपर क्रैकडाउन होगा,
जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर और ज़्यादा सख्ती होगी, जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे उनके ऊपर कुछ इकदाम का ऐलान किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इकदाम ऐलान से बढ़ के उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए कि ताकि जो लोग टैक्स पे ही नहीं कर रहे सिरे से उनको सिस्टम के अंदर ला जाए। और सिस्टम में लाने के लिए देखें एनफोर्समेंट हरासमेंट और इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इकॉनमी को डिजिटलाइज किया जाए। जब मैं और आप आपस में कोई लेन देन करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, और वो खरीदो फरोख्त जो है वो ऑटोमेटिक अगर डिजिटलाइज होगी तो फिर इसका मतलब है कि उसमें हमें किसी के ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में आती जाएगी। जब ऑटोमेटिक सिस्टम में आएगी तो फिर लोगों को उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उसको डिजिटलाइज कर दें, पूरी 100% इकॉनमी को डिजिटलाइज करें ताकि ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलना शुरू हो जाए। और जो टैक्स मिलना चाहिए अभी तो उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 12,970 अरब यानी 13,000 अरब समझ लें, लेकिन हमारी जो इकॉनमी का साइज़ है उस एतबार से हमें जो टैक्स मिलना चाहिए वो 18,000 अरब रुपए मिलना चाहिए। अच्छा, जब हम टैक्स कम देते हैं या कम रिकवर करते हैं तो फिर वो जो 4-5 हज़ार अरब रुपये इकॉनमी के साइज़ से कम ले रहे होते हैं हम टैक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है वो यूँ समझ लें कि फैसलाबाद के साइज़ का एक शहर हर साल हम जन्म देते हैं। तो इतने लोगों के लिए जब आपने बिजली देनी है, स्कूल देने हैं, हॉस्पिटल देने हैं, सड़कें देनी है, तो जब ये सीवरेज देना है, तो ये जब चीज़ें आपने देनी है तो उसके लिए पैसे चाहिए ना। अब वो पैसे जो हैं वो फिर आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो यही वजह है कि हर साल हुकूमत का कर्ज जो है वो 4-5 हज़ार अरब रुपये बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें इसके एफर्ट करनी चाहिए कि टैक्स की रिकवरी जो है वो हमारी मईशत के साइज़ के एतबार से हो और वो हो, और लेकिन सख्ती के बगैर हो, तो ये फिर हमारा मुल्क जो है वो फिर तरक्की करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।